नमस्कार, स्वागत है आपका HBN न्यूज चैनल में। मैं भुवनेश वाशनी इस समय आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ अलीगढ़ की जिला मलखान सिंह हॉस्पिटल से। और यहाँ पर जब इस समय खड़े हुए हैं आइसोलेशन वार्ड में, कोरोना वायरस आइसोलेशन वार्ड है, यहाँ पे हमें पता करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे मरीजों की रूपरेखा चल रही है, किस तरीके के लोग यहाँ पे आ पा रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पे सुविधा दी जा रही है। यहाँ पे हमारे साथ फिलहाल में बने हुए हैं, आइए उनके साथ ही इस विषय पर बात करते हैं, क्योंकि वही इस विषय में हमें अच्छी से अच्छी जानकारी और इम्पोर्टेंस बातें बता पाएंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम दिनेश शर्मा। सर किस तरीके से जैसे आइसोलेशन वार्ड है, फिलहाल कोई मरीज आया है जिसको कोरोना वायरस के थोड़े से भी लक्षण पाए गए हों? अभी ऐसा भर्ती तो कोई वार्ड में अभी तक मरीज नहीं हुआ है, बराबर में OPD बनाई गई है अलग से सर्दी खांसी बुखार के मरीजों के लिए, संभावित कोई अगर हो तो, क्योंकि पहले उधर है OPD लेकिन यहाँ उन विशेष जो होते हैं मरीज उनके लिए अलग OPD बनाई गई है। और यह आइसोलेशन वार्ड स्पेशली तरीके से बनाया गया है, इसमें बहुत बढ़िया तरीके से अभी एक आध दिन में शायद वेंटिलेटर की भी व्यवस्था होने जा रही है, लेकिन अभी डिस्कशन चल रहा है। तो सर आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि वेंटिलेटर की व्यवस्था होने जा रही है, तो मान के चलिए किसी व्यक्ति में 100 में से 20% लक्षण पाए जाते हैं, यानी 20% लक्षण पाए जाते हैं उसके अंदर कोरोना वायरस के, तो क्या चांसेस हैं उसके बचने की? इस विषय पर तो आपको डॉक्टर साहब भी बता पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर से आप सलाह करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। तो आप फिलहाल हमें इतनी जानकारी दे सकते हैं कि वेंटिलेटर्स की सुविधा कर दी गई है जिला होने जा रही है, और सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है। नगर निगम अपनी तरफ से पूरी तरीके से लगा हुआ है, यहाँ पर किसी तरीके की ढील नहीं दी जा रही है फिलहाल, आपका कहना ये है? ऐसा यहाँ पर नगर निगम कर्मचारियों को कोई काम नहीं है। हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, यहाँ हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के 4th क्लास कर्मचारी हैं, मैं भी 4th क्लास कर्मचारी हूँ, और जो प्राइवेट तौर से रखे गए हैं, कंपनी की ओर से रखे गए हैं, पूरी जिला सफाई व्यवस्था संभाले हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई दिक्कत होने नहीं देगी। मन से तैयार हैं हम लोग, इस मन से तैयार है कि जिंदगी में पहली बार ऐसा मौका मिला है जो महामारी हो रही है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें यहाँ ड्यूटी करने का मौका मिला। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप डट के अड़े रहेंगे यहाँ पर, किसी भी तरीके से हार नहीं मानेंगे, मरीजों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, उनकी सेवा के लिए जिस तरीके से भी आप सेवा दे सकें बिल्कुल पूरी तरह से रहेंगे, मन से रहेंगे, क्योंकि हमारी सोच जो है सिर्फ ये नहीं है कि हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि मानवता भी हमारी सोच को, क्योंकि जो भी आएंगे वो इंसान ही आएंगे, हो सकता है इत्तेफाक से मेरे परिवार का ही कोई आ जाए। जैसा कि हमने यहाँ से जाना कि किस तरीके से मरीजों के लिए पहले से ही सुविधा कर दी गई है, किस तरीके से कोई मरीज आएगा तो उसके लिए यहाँ के डॉक्टर्स व कर्मचारी जान और शान अपने पूरे तन से मौजूद हैं उनके लिए। उनका कहना ये है कि हम यहाँ पे सिर्फ नौकरी के लिए ही नहीं, अपने तन मन शक्ति एक सेवा के लिए, कल को हमारे भी परिवार में कोई ऐसा हो जाए तो कि हम पीछे हट जाएंगे, तो उसी को लेकर चलते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी भावना आप लोग भी रखें और अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, जिससे किसी और को परेशानी ना हो। एक कदम आपका पड़ सकता है पूरे देश को भारी। देखते रहिए HBN न्यूज़, मैं भुवनेश वाशनी, जो सच वही। नमस्कार, स्वागत है आपका HBN न्यूज़ चैनल में। मैं भुवनेश वाशनी इस समय आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ अलीगढ़ क्षेत्र के अब्दुल करीम इलाके से। यहाँ पे हम जानेंगे कि कोरोना वायरस के ऊपर जो लॉकडाउन किया गया था उस पर क्या अभी तक हो चुका है, और किस तरीके से लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, किस तरीके से समर्थन दे रही है जनता प्रशासन को, और किस तरीके से प्रशासन इस लॉकडाउन पर अपनी पूरी प्रतिक्रिया कर पा रहा है, आइए मेरे साथ। सर मैं जानना चाहूँगा जिस तरीके से लोग कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन किया गया है उससे जनता का आपको क्या समर्थन मिल पा रहा है, और किस तरीके से आपसे साथ सहयोग हो पा रहा है, क्या वो नियमों का पालन कर पा रहे हैं कि नहीं, और किस तरीके से अड़चने आ रही हैं या अड़चने नहीं आ रही हैं? वो लेकिन नियमों तो पालन कर रही है, लेकिन जो वैसे लड़के वड़के घूमते हैं उनको तो पुलिस हैंडल कर रही है, उनको भी अंदर भेजती है समझा बुझा कर, ऐसे नहीं कोई। तो वैसे अभी तक ऐसे कुछ लोग पाए गए हैं जो
कोरोना वायरस का समर्थन नहीं कर रही थी? नहीं, जो समर्थन कर रहे हैं वो तो अंदर है, लेकिन जैसे मोटरसाइकिल बाहर आते हैं तो उनको चालान करते हैं, फिर मुकदमा लिया जाता है जो उसका कोरोना वायरस। तो अभी भी कुछ लोग बाहर आते हैं, कितने अब तक कितने चालान हो चुके हैं? जो होते हैं जो ज़्यादा सर्विस करने वाले हैं, अगर उनके साथ कोई एक्स्ट्रा निकल जाता तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। वैसे अब तक कितने चालान कट चुके हैं अप्रॉक्स? मिनिमम 1000 से भी ज़्यादा चालान अब तक कट चुके हैं। पर चालान का क्या रेट होगा सर? रेट तो अलग अलग है। मतलब किस हिसाब से है? मतलब अगर मान लिया चालान अलग अलग है, धारा 144 का रूल उल्लंघन करे तो उसके खिलाफ मुकदमा भी लगा। सीज भी होती है अगर कागज नहीं है। अगर कागज नहीं है उसके तो सीज भी होती है। और जैसे कोरोना वायरस के ऊपर जो लॉकडाउन चल रहा है उसका, अगर आप उसको तोड़ते हैं तो उस पर कितना है? उसके खिलाफ 128 की कार्रवाई होती है। 128 की कार्रवाई, तो इसमें जेल भी जा सकता है वो? क्या कितने महीने की जेल हो सकती है? 1 साल की। लगभग 1 साल की। मतलब इस लॉकडाउन में उसको निकलना कोरोना वायरस के मुकाबले ही भारी पड़ेगा। काफ़ी भारी पड़ेगा। जैसा कि हमने जाना भी सर से कि किस तरीके से अगर आप कोरोना वायरस के, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 25 तारीख को शाम को 8 बजे अपील की थी कि कोरोना वायरस को लेकर रात 12 बजे के बाद लॉकडाउन किया जा रहा है संपूर्ण भारत में, अगर आप उसको तोड़ते पाए जाते हैं तो सर ने जैसा कि अभी बताया 128 के खिलाफ मुकदमा चलेगा और आपको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, ये भी आपके लिए बैठे हैं, ना कि ये अपने लिए बैठे हैं, ये भी आपके लिए बैठे हैं अपने घरवालों को छोड़कर। तो इनका सहयोग करें, ना कि इनके काम में अड़चने डालें। जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं भुवनेश वाष्णेय हिमांशु सिंह के साथ HBN न्यूज़, जो सच वही खबर। नमस्कार, स्वागत है आपके HBN न्यूज़ चैनल में। मैं भुवनेश वाष्णेय इस समय आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ अलीगढ़ शहर के सारसोल सूत मिल चौराहे से। यहाँ पे हम जनता से जानेंगे कि क्या उन्हें दिक्कतें आ रही हैं इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन से। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों। जी सर, आपका नाम? दीपक सिंह। सर, जैसे कोरोना वायरस के ऊपर लॉकडाउन कर दिया गया अलीगढ़ शहर में, तो किस तरीके की परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? किस तरीके से आप अपने घरेलू सामान को चला पा रहे हैं? किस तरीके से खरीद पा रहे हैं? क्या पहले में और अब में कोई फर्क आया है खरीदारी में? क्या खाने के रेट बढ़े? किस तरीके खाने पीने की वस्तुएं ब्लैक बहुत हो रही हैं। जो चीज़ें पहले 200 रुपये की मिलती थी, आज वो 400 रुपये की मिल रही है, और 400 रुपये में अभी मिल नहीं रही है भीड़ भाड़ की वजह से। एकदम सुबह से जो टाइम जो खुलते हैं उतने में पब्लिक टूट पड़ती है और वो सामान नहीं मिल पाता। हम गए लावे तो बंद है। तो जैसे टाइम निश्चित किया गया, समय निश्चित किया गया सरकार की तरफ से, उसी टाइम में ऐसा दुकान तो है ना, पर जब इन्हें वो है तो परचून की दुकान है तो खुली रहनी चाहिए। तो आपने किसी तरीके से दुकानदारों से कहा कि भाई जब ये इतने किए तो दुकानदारियों कहते हैं कि तुम्हें लेनी है लो, नहीं तो यहाँ से रोके मत ले। बोलते हैं तो आपने ऊपर कोई कार्रवाई करनी सोची? कार्रवाई नंबर दिए उन पर, नंबर मिलाया उनसे कहिए, लेकिन फिलहाल कोई अभी अपने हिसाब से हमने वहाँ छापा वहाँ छापा, हमारे हिसाब से तो कोई छापा पड़ा नहीं है। फिर भी बेच रहे हैं। हाँ, तो किस तरीके से आप समाधान चाहते हैं इस परिस्थिति के? किस तरीके जो रिफाइंड के पैकेट जो 100 रुपये का आता था वो आज 130 रुपये का बेच रहे हैं। आगे तीन भाई के नाम से दुकान है, यही परचूनी दुकान है, तीनों भाइयों की 130 रुपये का पैकेट बेच रहे हैं। और कह रहे लेना लो, नहीं तो मतलब किस तरीके से अगर इंसान के जिसके पास ना हो वो तो भूखा ही मर जाएगा। पर जिस तरीके से 240 रुपये का आता था 300 रुपये का लो मतलब ये क्लियर कर रहा है। जिस पे हो अगर जैसे वैसे सेवा भी शुरू की गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, कल से लागू हुई है। अभी यहाँ तो कुछ नहीं हो, यहाँ तो वैसे भी यहाँ अब तक के उसमें हमें यहाँ 20 साल हो गए और ये लोग यहाँ बहुत दिनों से रह रहे। 20 साल में आज तक यहाँ जो भी MLA के इलेक्शन लड़ा या जो भी हुआ, आज तक कभी यहाँ कोई वोट के लिए नहीं आया मांगने। फिलहाल कौन है यहाँ की? यहाँ से अनिल पारासर है, कोल क्षेत्र में लगता है। अनिल पारासर जी हैं, कोल क्षेत्र। कभी नहीं आया यहाँ कोई टिकट, ना वोट के लिए आया, कुछ नहीं आया, कभी नहीं आया कोई वोट नहीं। वोट तो है लेकिन यहाँ कोई जैसे कन्वेंशन के लिए आता कोई नहीं आता यहाँ। तो कोई मतलब एक बार जीत जाने के बाद जीतने का, वो हारने जीतने में आता ही नहीं है, चाहे जमीनुल्ला रहा या ये अनिल बारासर या कोई भी रहा, यहाँ कोई नहीं आया। यहाँ कोई नहीं आया, कोई यहाँ पे कोई किसी तरीके की सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ केवल पुलिस परेशान कर रही है, अगर एक दो जने भी खड़े हैं तो उनसे भी आके हाथापाई और बदतमीजी करने को तैयार है। सर, आपका नाम?
मतलब किस तरीके से कहना चाहेंगे, जैसा कि अभी उन्होंने हमें सूचना दी, पूरी जानकारी दी कि इस तरीके से यहाँ पे कालाबाजारी चल रही है। चल रही है, बहुत चल रही है, ज़्यादा चल रही है। तो किस मतलब किस तरीके की फिर आपको स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से आप परेशान? जैसे कि अखबार में आज आया था कि 12 से 15 रुपये किलो गोभी रहेगी, 20 किलो टमाटर रहेंगे, ऐसा तो कुछ रहा नहीं मार्केट में। 12 जारी तक देखा था मैंने, 12 जारी तक। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था। हमने कहा था उनसे कि पहले कितने थे आलू, कितने रुपए किलो थे और अब कितने रुपए किलो दे रहे हैं? 20 रुपए किलो पहले दे थे, 20 आज दिए हैं। और पहले जैसे आटा कितने रुपए किलो था और आज कितने किलो है? पहले 260 रुपए का कट्टा लाया था मैं, रुचि का 10 किलो का, आज वो 210 रुपए का दे रहा था। 310 रुपए का मतलब 100 रुपए ऊपर, 260 से 50 रुपए एक्स्ट्रा बता। आपने उससे सवाल किया कि इतने पैसे क्यों? कहा था नगर भैया ऊपर से बढ़ के आ रहा है, माल आ नहीं रहा है, फैक्ट्री नहीं चल रही, यो नहीं हो रहा। उन्होंने ये 70 में मजबूरी में फिर आपको लेना पड़ा, लेके आना पड़ा। क्या अगर नहीं होते तो फिर कैसे, क्या करते? क्या करते फिर? तो आटा, मम्मी की तबीयत खराब रहती है, नहीं तो गेहूँ पिसवाते हुए नहीं, मजबूरी में लेके आना पड़ा था। कहने का ये मजबूरी का नाम महात्मा, यही एक वो है। किस तरीके से कालाबाजारी की जा रही है, इनका कुछ कहना चाहिए? सर, मेरा नाम दिनेश सैनी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम ये भारत जो है, जो दिन बढ़ाए गए हैं वो थोड़े से कम करे जाए। ठंड तो कम जब ही हो पाएंगे जब हम लोग घरों में रहेंगे, आप लोग घरों में रहेंगे। हाँ, घर में रहेंगे, मगर ये है कि काफी महंगाई बढ़ रही है और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है कि आप वहाँ पे कंप्लेंट करें। कंप्लेंट करें तो करें कैसे, अब बाजार से सामान लेने जाओ 500 रुपए का, और फिर जो चाहिए थोड़ा सा सामान, 2-3 सामान आते, सब्जी लेने गए। हेल्पलाइन नंबर दे रखा है तो उसमें सब्जी जो 20 रुपए किलो सब्जी थी, आज 50 रुपए किलो, 40 रुपए किलो बिक रही है, लेकिन उसमें प्रशासन ने तो कोई कार्रवाई की नहीं। आलू 16 रुपए किलो मिलते थे, आज वो 35 रुपए किलो मिल रहे हैं, कोई प्रशासन ने कार्रवाई करी है तो बताओ? और खूब सारा सारे धरिया में तो कार्रवाई की, इसमें किसकी डील है ये बताइए? डील प्रशासन की डील है, मंडी समिति के खिलाफ में, अगर मंडी समिति पे बड़े आरतियों के खिलाफ कार्रवाई होगी शायद भी ऐसा नहीं है। कार्रवाई होती है? हाँ, कार्रवाई। तो कार्रवाई किस तरीके से की जा सकती है? जैसा कि आपने बताया, हमने कार्रवाई कॉल किया था वहाँ पे, उनको शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक कोई छापेमारी नहीं हुई। बड़े आड़तिया जो मंडी में बैठे हुए हैं, वो अपने लेटर पैड पे लिख के दें कि आज हमने इस रेट में हमने सामान बेचा है, और वो यहाँ ला के ये लोग अपने बोर्ड लगा के बेचे, तो इससे माल ज़्यादा रेट पे नहीं बिके। इस तरीके से हमने लोगों से जाना किस तरीके से यहाँ पे कालाबाजारी की जा रही है। यहाँ पे काफ़ी लोग कोरोना वायरस को एक हटाकर इस चीज़ से परेशान है, घरेलू अपना सामान कैसे चलाएं, कैसे अपना व्यक्तित्व जीवन आगे बढ़ाएं, जिससे मारामारी हो रही है। अभी तो है तो अभी वो कर रहे हैं, कल को नहीं होगा, किस तरीके से करेंगे? हेल्पलाइन नंबर दी गई, लेकिन हेल्पलाइन नंबर पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, लोग नहीं सुनते हैं। तो किस तरीके से ये अपनी परेशानियों को किसके पास लेकर जाएँ, जब इनकी सरकारी इनकी नहीं सुननी तो कौन सुनेगा आखिर इनकी? देखते रहिए मेरे साथ SBN न्यूज़, जो सच वही कहूँ।